फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखिए डॉग फ्लावर है मेरे पास, तो अभी इन पर फ्लावर आए हुए हैं, लेकिन आज हम इनके सीड्स कलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी इनका सीज़न जाने लग रहा है, तो हमें इनसे अभी सीड्स लेने का बहुत अच्छा टाइम है। तो सीड्स आपके प्लांट पर बनने शुरू हो जाते हैं अगर हम फूल ना कट करें तो जब इनका फूलों का टाइम होता है उस टाइम पर हम जो पुराना फूल हो जाता है उसे वहाँ से इस तरीके से पिंच कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इनसे सीड्स लेने हैं, तो जो पुराने फूल हो गए हैं अभी हमें उन्हें नहीं हटाना है। तो मैंने देखी काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट कर भी लिए हैं और इनसे अभी आपको दिखाती हूँ इनमें किस तरीके से सीड्स बनते हैं। तो यहाँ से देखिए आप, डॉग फ्लावर जो होता है ये देखिए, तो ये पुराना फूल हो गया है, हमें इसे यहाँ से हटाना है इसके ऊपर से, क्योंकि इसके नीचे जो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर इसके सीड्स हैं। तो ये सीड्स अभी इसका ग्रीन है, हरा है, मतलब अभी इसके अंदर अच्छे से सीड्स हमारा बीज पका नहीं है। तो जिसके अंदर बीज पक चुका है हमें वो वाला इसका बीज ले लेना है। तो देखिए कैसे पता चलेगा आपको, ये वाला देखिए आप, ये बिल्कुल पक चुका है और इसका ये यहाँ से बिल्कुल मुंह इसका ओपन हो गया है खुद से ही। अगर हम इसे अभी नहीं यहाँ से उतारेंगे तो ये झड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ से इस तरीके से आराम से उतार लेना है, ये देखिए ऐसे। तो ये बिल्कुल आसानी से ऐसे उतर जाते हैं, आप इसे कट भी कर सकते हैं और ऐसे इनमें से बीज, ये देखिए कितने ब्लैक कलर के इनके बीज होते हैं, कितनी आसानी से निकल गए हैं, ये देखिए कितने सारे निकल के आए हैं एक ही पोटली सी बोल सकते हैं, इसे पोटली सी है ये। तो इसी तरीके से हमारे पास देखिए, मेरे पास कई कलर के थे, ये येलो है, पिंक है, ये सब इनके फूल पुराने होते जा रहे हैं, ये वाइट है और ये भी येलो ही था, ये लाइट पिंक था। तो इन सभी के बीज हमें इसी तरीके से ले लेने हैं अभी, और जो भी आपका प्लांट सूखता रहे उसी के बीज आपको ले लेने हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें इकट्ठा करके रख लेंगे ऐसे, देखिए ऐसे किसी चीज़ में हमें इन्हें रख लेना है, किसी पेपर वगैरह में आपको इकट्ठा कर लेना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर फंजीसाइड पाउडर आपके पास होगा तो वो आपको इसके ऊपर डालना है। फंजीसाइड पाउडर से होगा कि इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा, और अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप राख होती है जो, राख भी यूज़ कर सकते हैं, हल्की सी बिल्कुल इसके ऊपर राख ऐसे डाल के इसे बिल्कुल आपको छाया वाली जगह पर रख देना है किसी डब्बे वगैरह में पैक करके। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा, बरसात का टाइम आएगा, उस टाइम हम इन्हें फिर से ग्रो करेंगे, ये देखिए इसी तरीके से बहुत आसानी से इनके सीड्स निकल जाते हैं सभी प्लांट के। ये देखिए इसका फेस कैसे ओपन हो रखा है, अगर हम इन्हें अभी नहीं टाइम से नहीं उतारेंगे तो फिर ये झड़ने लग जाते हैं खुद से ही। तो फ्रेंड्स, डॉग फ्लावर के मैंने सीड्स आपको दिखा दिए हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और जो कि आपके प्लांट पर ही बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके को नेक्स्ट टाइम नर्सरी से प्लांट नहीं लाना पड़ेगा और अपने घर पर ही आप ग्रो कर सकते हैं। तो इन्हीं के फूलों के नीचे ही इनके बीज बनते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये वाला फूल आपको उतार देना है और इसके नीचे बीज बनने देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया है डॉग फ्लावर के सीड्स आपको कैसे कलेक्ट करने हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से ये सीड्स होते हैं। और हम इन्हें जब ग्रो करेंगे उस पर वीडियो बना दूंगी मैं नेक्स्ट टाइम, बरसात के मौसम में हम इन्हें ग्रो करते हैं, ये देखिए यहाँ से ऐसे
ऐसे निकाल के, और खुद से ही निकल रहे हैं ये। तो हमें इन्हें छाया वाली जगह पर रख देना है अब सभी प्लांट को। इसी तरीके से आप अपने बहुत आसानी से अपने प्लांट के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।